नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे करौंदे की चटनी। करौंदे की चटनी के लिए आपको ये करौंदा चाहिए, ये इजीली मार्केट में मिल जाता है, इसे करौंदा कहते हैं। इसको इसके अंदर का बीज जो होता है वो कड़वा होता है, उसमें कड़वाहट होती है, कसैलापन होता है, तो इसलिए उसके बीज को निकालना ज़रूरी है। देखिए बड़े ध्यान से, इसके छोटे छोटे बीज होते हैं इसके अंदर, उन बीजों को निकालना है आराम से, आधा करके इसको हाफ कर काट के और बीज को निकाल लेना है इस तरीके से। हम इसके सब इसको काट करके बीजों को निकाल देंगे। देखिए हमने सभी काट लिए हैं करौंदों को और बीज निकाल दिए हैं। अब इसमें और क्या डालेंगे, ये अदरक का टुकड़ा, 1 आधा इंच अदरक का टुकड़ा डाल रहे हैं इसमें। 1 या 2 हरी मिर्चें आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं। इसमें 4-6 लहसुन की कलियां और 1 मीडियम साइज़ कटा हुआ प्याज डाल रहे हैं। प्याज डालने से इसका स्वाद काफ़ी बढ़ जाता है इस चटनी का। ये हरा धनिया डाल रहे हैं, नमक डालेंगे, अब नमक स्वाद अनुसार डालिए। उसके बाद इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया है। ये आपकी करौंदे की चटनी तैयार हो गई है। इसको एयर टाइट कंटेनर में रखें, इसको अच्छे से रखेंगे तो हफ्तों तक चलेगी और हफ्तों तक खाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें।